उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में चेकिंग के दौरान एक एक्सीडेंट कार मिली जिसमें 3 लोग सवार थे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए भोपाल और इंदौर में बुधवार से रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसका समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक प्राइवेट बस पलट जाने से 14 यात्री घायल हुए हैं। घायल यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया है। वहीं सूत्रों के अनुसार इस बस में करीब 100 यात्री सवार थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यहां एक जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में 40 साल से बंद एक नेपाली नागरिक को रिहा करने का आदेश दिया। उक्त व्यक्ति पर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुई हत्या के मामले में मुकदमा चल रहा था। अमृतसर के श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजासांसी में दुबई से इंडिगो एयरलाइंस में सफर के द्वारा यहां पहुंचे एक यात्री के पास से 186.46 ग्राम सोना बरामद किया गया है जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। लहरागागा के नजदीकी गांव गुरने खुर्द में एक नौजवान ने जहरीली वस्तु निगलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जीवन लीला समाप्त करने से पहले नौजवान द्वारा एक सुसाइड नोट भी लिखा गया है जिसकी पुलिस छानबीन कर रही है। कर्नाटक में डिप्टी कमिश्नर और चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उडुपी जिले ने सकारात्मक मामलों में वृद्धि के कारण MIT मणिपाल कैंपस को कोरोना कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण गुजरात के अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बसों के संचालन को आज से निलंबित कर दिया गया है। ये निलंबन अगले आदेश तक जारी रहेगा। श्री मुक्सर साहिब से बठिंडा मार्ग पर गांव बलायाना में आज प्रातःकाल करीब 8:30 बजे कार की पेड़ से जबरदस्त टक्कर हो गई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। नवांशहर जिले में पड़ते स्टेशन वेल माजरा से रोजाना जीत के पत्रकार राकेश रोमी का आज अचानक निधन हो गया। वह 2 दिनों से मामूली खांसी जुकाम से पीड़ित थे। देश दुनिया दी ताजा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज अजीत न्यूज ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसी एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज पंजाब दी आवाज अजीत।